हाँ तो दोस्तों, यहाँ पे जेके सीमेंट के क्वार्टर फोर के रिजल्ट आ गए हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको जेके सीमेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे डिविडेंड की बात करें तो जो कंपनी ने यहाँ पे डिविडेंड अनाउंस किया है वो है 15 रुपीज पर शेयर का। यानी कि अगर आपके पास 100 शेयर्स हैं तो आपको यहाँ पे 1500 रुपीज का डिविडेंड मिलेगा। अब अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में जो टोटल रेवेन्यू है वो यहाँ पे 16% बढ़कर 2134 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू निकल कर आया है। तो ऑल्दो यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ बहुत अच्छा है, लेकिन जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है वो 1.3% क्वार्टरली बेसिस पर गिरकर, यानी कि एकदम फ्लैट प्रॉफिटेबिलिटी यहां पर कंपनी की रही है। क्योंकि पिछले क्वार्टर में कंपनी को 217 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था और अभी 214 करोड़ का यहां पे कंपनी को टोटल प्रॉफिट हुआ है, यानी कि अराउंड 3 करोड़ का यहां पे हमको नेट प्रॉफिट में डिक्लाइन देखने को मिला है। तो देखिए, इसका रीजन यही है कि जो फाइनेंशियल ईयर एंडिंग वाला क्वार्टर होता है उसके अंदर जो नॉर्मली जो कंपनी के एक्सपेंसिस होते हैं वो ज्यादा होते हैं, तो इसीलिए यहां पे जो नेट प्रॉफिट है वो हमको गिरता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर हम रेवेन्यू की ईयर ऑन ईयर बेसिस, यानी कि पिछले साल के जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें तो उसके कंपैरिजन में यहाँ पे टोटल रेवेन्यू 38% बढ़कर 2134 करोड़ निकल कर आया है। तो देखिए, ईयर ऑन ईयर बेसिस भी रेवेन्यू अच्छे तरीके से बढ़ा है और यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पर भी कंपनी के रेवेन्यू अच्छे तरीके से हमको बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे ईयरली बेसिस पर 33% बढ़कर 214 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट निकल कर आया है। तो देखिए, क्वार्टरली बेसिस पर नेट प्रॉफिट गिरा है, और अगर हम बाकी सीमेंट कंपनीज की बात करें यहाँ पे अराउंड 50% का ग्रोथ हमको ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे हमको 50% से कम ग्रोथ नेट प्रॉफिट में देखने को मिल रहा है। तो देखिए, मेरे ख्याल से मार्केट के लिए नेगेटिव हो सकता है, हो सकता है कि थोड़े शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे स्टॉक को पनिश किया जा सकता है। अब ये देखिए, 22025 करोड़ का यहाँ पे इसका मार्केट कैप है। देखिए, इंडस्ट्री के कंपैरिजन में अगर आप देखोगे तो आपको प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है अगर हम स्टैंड अलोन बेसिस पर बात करें तो, लेकिन कंसोलिडेटेड बेसिस पर ये आपको 33 टाइम पे ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जो प्राइस टू बुक रेशियो है वो यहाँ पे 7.32 टाइम्स है, वो देखा जाए वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा कॉस्टली नजर आता है। अब ये देखिए, अगर आप देखोगे पिछले 4 साल से लगातार यहाँ पे कंसिस्टेंटली जो कंपनी का रेवेन्यू वो लगातार हमको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और अगर जो हम कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो 2019 में थोड़ी सी प्रॉफिटेबिलिटी गिर गई थी, बाकी हर साल यहाँ पे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो कंसिस्टेंट ग्रोथ हमको यहाँ पे जेके सीमेंट में देखने को मिल रही है। अब ये देखिए, 2850 पे यहाँ पे जेके सीमेंट का शेयर भी ट्रेड हो रहा है और 3149 का इसका हाई है। तो अगर आप हाई से कंपेयर करोगे तो अराउंड अभी आपको देखा जाए तो 8-9% अपने ऑल टाइम हाई से ये स्टॉक अभी करेक्शन पर मिल रहा है। तो देखिए, अभी मार्केट के एक्सपेक्टेशन पे डिपेंड करता है कि अभी जो मार्केट ने एक्सपेक्ट किया होगा अगर उससे बेहतर यहाँ पे कंपनी के रिजल्ट होंगे तो मेरे ख्याल से यहाँ पे पॉजिटिव वे मार्केट ले सकता है। लेकिन देखिए, जो दूसरी सीमेंट कंपनी जहाँ पे 50% की ग्रोथ दिखा रही है नेट प्रॉफिट में, वहां पर अगर ये 50% से कम की ग्रोथ दिखा रहा है तो मेरे ख्याल से मार्केट के लिए नेगेटिव हो सकता है। तो जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं, मेरे ख्याल से अगर आप प्रॉफिट में हैं तो प्रॉफिट यहां पर बुक कर सकते हैं। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए। देखिए, 8-9% स्टॉक ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है, और उसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए, अगर ये स्टॉक को अगर मार्केट नेगेटिव वे में लेता है अगर रिजल्ट को, और अगर ये स्टॉक अगर आपको 2700 के लेवल के नीचे अगर मिलता है तो मेरे ख्याल से जरूर यहां पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स यहां पे कॉल ले सकते हैं। ऑल्दो देखिए, ये मेरा पर्सनल एडवाइस है, आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस लेकर ही काम करना है। तो दोस्तों, मैं होप करता हूँ कि आपको जेके सीमेंट के क्वार्टर फोर के रिजल्ट के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।